दोस्तों वैसे तो ये लिस्ट गेमिंग फोन की लिस्ट है। इसके अंदर आपको जितने ही फोन बताऊंगा सारे गेमिंग फोन बताऊंगा, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्ड क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा या फिर आपको कैमरे से ज्यादा ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ऐसा सीन नहीं है। आप इन फोन को एक तरीके से ऑलराउंडर फोन भी मान सकते हो, जिनका ज्यादा फोकस थोड़ा परफॉर्मेंस पे या गेमिंग पे कह सकते हो। हेलो गाइज, मेरा नाम है केशव। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको पांच बहुत ही बढ़िया गेमिंग फोन बताऊंगा, और जो गेमिंग फोन आपको बताऊंगा नंबर 5, 4, 3, 2, 1 बताऊंगा, यानी कि पहले पांच नंबर में जो आपको फोन बताऊंगा वो अच्छा होगा, बट 4 उससे भी ज्यादा, 3 उससे भी ज्यादा, तो ऐसे करके बताऊंगा। सो गाइज, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर भी कर देना, एंड मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लेना। करते वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। तो बिना देरी के चलते अपने लिस्ट के फिफ्थ फोन पर। तो हमारी लिस्ट का फिफ्थ फोन आता है लेनोवो K10 नोट। शुरुआत करते हैं डिस्प्ले एंड डिजाइन से। तो यहाँ पर आपको 6.3 इंचेस की फुल HD प्लस की, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको फुल HD प्लस का IPS पैनल मिल जाता है, एंड यहाँ पर आपको वाटर ड्रॉप नोच भी मिल जाती है। बैक साइड के अंदर आपको ट्रिपल रियर कैमरा मिल जाएंगे, बैक साइड के अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाएगा, एंड जो आपको बैक मिलेगी वो प्लास्टिक की बैक मिलेगी। तो अब चलते हैं कैमरा डिपार्टमेंट में। एक अच्छी बात लगी इस फोन के अंदर कि इसके कैमरे के अंदर आपको टेलीफोटो लेंस मिल जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा अच्छी चीज है, और अंडर 10K में ये प्रोवाइड करना भाई काफी ज्यादा मुश्किल काम होता है, बट लेनोवो ने पता नहीं भाई कहां पर मतलब क्या कट करा है कि आपको टेलीफोटो लेंस पकड़ा दिया और मतलब मजा सही आ गया। तो बैक साइड के अंदर आपको ट्रिपल लेयर कैमरे मिल जाते हैं, जो आपको प्राइमरी लेंस मिलता है वो आपको 16 मेगापिक्सल का मिलता है, प्लस 8 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो लेंस मिलता है, जहां पर आपको 2x ऑप्टिकल जूम मिल जाता है, प्लस 2 मेगापिक्सल की यहां पर आपको डेप्थ सेंसिंग मिल जाती है। सेल्फी की बात करते तो आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है। तो चलते हैं प्रोसेसर डिपार्टमेंट में। इधर आपको स्नैपड्रैगन का 710 का प्रोसेसर मिलेगा, जो कि प्रोसेसर काफी ज्यादा अच्छा प्रोसेसर है, गेमिंग वगैरह के लिए काफी ज्यादा सही है। तो अंडर 10K के हिसाब से भाई 710 बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है। ये आपको 10nm का प्रोसेसर मिलता है, एड्रिनो का 616 का आपको GPU मिलेगा, ऑक्टाकोर का आपको प्रोसेसर मिल जाएगा। तो चलते हैं बैटरी डिपार्टमेंट में। इधर आपको 4050mAh की बैटरी मिल जाएगी, 18W की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, जो कि काफी ही ज्यादा सही है। मतलब अंडर 10K में 18W की फास्ट चार्जिंग बहुत बढ़िया चीज है। यहाँ पर आपको टाइप सी का पोर्ट भी मिल जाता है। तो अब बात करते हैं फोन के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो सबसे पहले भाई सारे सेंसर मिल जाते हैं, जो कि काफी बढ़िया चीज है। हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल जाता है, यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 9 मिल जाता है, और लेनोवो का खुद का UI मिल जाता है, जिसके अंदर थोड़े से आपको बग्स मिलते हैं, इतना ऑप्टिमाइज नहीं होता, तो आपको इंटरफेस थोड़ा पसंद नहीं आएगा इस फोन का, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेनोवो थोड़ा बगी वगी सा आप कह सकते हो, तो वो थोड़ी सी दिक्कत है। बट यहाँ पर आपको फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट के दोनों के ऑप्शन मिल जाएंगे। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, वेरिएंट एंड प्राइस की। तो 4GB की रैम एंड 64GB की रोम वाले का प्राइस आपको 11,000 का मिलेगा। तो ऐसे आप लोग सोच रहे कि भाई ये वीडियो तो मतलब ऐसे 10,000 की है, तो 11,000 का फोन इधर क्या कर रहा है। तो भाई 11,000 का फोन आपको सेल के अंदर 10,000 से भी कम का मिलेगा, तो ये बात मैं आपको बता देता हूँ। सेल का थोड़ा सा वेट करना, तो आपको ये फोन 10,000 से अंडर मिलेगा, यानी कि 9, 9.5 मतलब 8,000 तक भी मिल सकता है। तो भाई सेल के ऊपर डिपेंड करता है कितनी बढ़िया सेल है, तो भाई सेल के अंदर ले लेना इस फोन को, अगर आपको 11,000 का आपका बजट नहीं जा पा रहा। बाकी 11,000 को भी काफी अच्छे तरीके से जस्टिफाई करता है ये फोन, एंड 11,000 के प्राइस पर भी काफी अच्छा फोन है ये। सो गाइस, अब चलते हैं अपने लिस्ट के फोर्थ फोन पर। हमारी लिस्ट का फोर्थ फोन आता है Asus Zenfone Max Pro M1, एंड ये आपको एक नॉन चाइनीज फोन मिलता है। अगर आप एक नॉन चाइनीज फोन लेने का सोच रहे हो तो ये फोन आप लोगों के लिए है। और आपको एक मजे की बात बताता हूँ, जो ये आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो, या फिर आप बोल सकते हो जो मेरा प्राइमरी फोन है जिसको मैं यूज करता हूँ, वो खुद Asus Zenfone Max Pro M1 है। काफी बढ़िया फोन है, गेमिंग वगैरह काफी ही बढ़िया चलती है, स्टॉक एंड्रॉइड है, फ्रंट साइड के अंदर फ्लैश वगैरह और बाकी सारी आपको चीजें बताता हूँ। शुरुआत करते हैं डिस्प्ले एंड डिजाइन से। तो यहाँ पर आपको 5.99 इंचेस की फुल HD प्लस की डिस्प्ले मिल जाएगी, यहाँ पर आपको डुअल रियर कैमरा मिलेंगे, एंड जो आपको बैक मिलेगी वो मेटल की बैक मिलेगी। तो चलते हैं कैमरा डिपार्टमेंट में। बैक साइड के अंदर आपको डुअल कैमरा मिलते हैं 13+5 मेगापिक्सल का, एंड 5 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसिंग के लिए मिलता है। तो अब चलते हैं सेल्फी पर। तो सेल्फी आपको इधर 8 मेगापिक्सल की मिल जाएगी, एंड एक अच्छी बात है कि इसके आपके फ्रंट साइड के अंदर भी आपको फ्लैश मिल जाते हैं, आप देख सकते हो ऐसे
फ्लैश मिल जाता है फ्रंट साइड के अंदर भी, जो काफी ही बढ़िया चीज है। तो अब चलते हैं प्रोसेसर डिपार्टमेंट में। इधर आपको स्नैपड्रैगन का 636 का प्रोसेसर मिल जाता है, 14 nm का ये प्रोसेसर है, 18 का 509 का आपको जीपीयू भी मिल जाता है। तो प्रोसेसर गेमिंग के लिए काफी ज्यादा सही है, पबजी वगैरह भी आपकी काफी अच्छी चल जाती है। तो अब चलते हैं बैटरी डिपार्टमेंट में। इधर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, माइक्रो यूएसबी का पोर्ट मिलता है, बट यहाँ पर आपको कोई भी फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती, तो ये थोड़ी सी दिक्कत है, आपको फोन को रात को चार्जिंग में लगाना पड़ेगा। बट लेकिन आपका एक दिन निकाल देता है फोन, क्योंकि स्टॉक एंड्रॉइड भाई काफी बढ़िया हो जाता है, मतलब आपकी जो बैटरी है उसको मतलब एक अलग ही लेवल पे ले जाता है भाई, जिससे आपका बैटरी बैकअप काफी बढ़ जाता है, एंड 5000 mAh की बैटरी तो काफी ज्यादा होती है। तो बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। फोन में आपको फिंगरप्रिंट फेस के ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको सारी सेंसर मिल जाता है, एंड्रॉइड 10 मिल जाता है, स्टॉक एंड्रॉइड मिल जाता है, डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाता है, एंड 4K की आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। बात करते हैं वेरियंट एंड प्राइस की। तो 3GB की रैम एंड 32GB की रोम वाले का प्राइस आपको 7500 का मिलेगा, एंड 4GB 64GB रोम वाले का प्राइस आपको 8500 का मिलेगा। मैं तो आप लोगों को यही बोलूंगा कि 4GB 64GB वाला लेना, वो काफी बढ़िया वेरिएंट है, एंड मतलब सही है वो, क्योंकि मैं खुद वही यूज करता हूँ। तो आपको भी यही बोलूंगा जो मैंने यूज करा है, क्योंकि स्टोरेज भाई 64GB आजकल तो होना ही चाहिए, एंड 4GB की रैम भी भाई ठीक होती है, तो 4GB 64 ही लेना आप लोग भी। पूरी वीडियो ऐसे ही देखोगे क्या, सब्सक्राइब करो एंड मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी। सो गाइस चलते हैं अपनी लिस्ट के थर्ड फोन पर। हमारी लिस्ट का थर्ड फोन आता है Realme C3। डिस्प्ले एंड डिजाइन की बात करते हैं, यहाँ पर आपको 6.5 इंचेस की HD+ की डिस्प्ले मिल जाएगी, यहाँ पर आपको IPS पैनल मिलता है, एंड डिस्प्ले पर आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है, जो काफी बढ़िया चीज है। बैक आपको प्लास्टिक की मिलेगी, एंड बैक साइड के अंदर आपको दो दो कैमरे मिल जाएंगे, एंड यहाँ पर आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिल जाती है। तो अब चलते हैं कैमरा डिपार्टमेंट में। इधर आपको 12+2 MP डेप्थ सेंसिंग के लिए लेंस मिल जाता है, एंड सेल्फी की बात करते हैं आपको 5 MP की मिल जाएगी। चलते हैं प्रोसेसर डिपार्टमेंट में। इधर आपको MediaTek Helio G70 का प्रोसेसर मिल जाएगा, 12 nm का ये प्रोसेसर है, मालिका G52 का आपको GPU मिल जाएगा, तो गेमिंग वगैरह के लिए काफी सही प्रोसेसर है, इसमें भी आपकी गेमिंग काफी अच्छी चल जाएगी। चलते हैं बैटरी डिपार्टमेंट में। इधर आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, 10W की नॉर्मल चार्जिंग मिलेगी, माइक्रो यूएसबी का पोर्ट मिल जाएगा, तो चार्जिंग इसकी भी वही है Zenfone Max Prime वाली, माइक्रो यूएसबी का पोर्ट, 10W की नॉर्मल चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग है, 5000 mAh की बैटरी है। बट बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। यहाँ पर आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाएगी, डिस्प्ले पर डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाएगा, स्प्लैश रेजिस्टेंस मिल जाएगा, थोड़ा बहुत पानी वानी गिरता है आपके फोन पे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर Realme UI मिल जाएगा, Android 10 मिल जाएगा, एंड फेस अनलॉक का भी ऑप्शन मिल जाएगा। बट इस फोन के अंदर आपको कोई भी फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता, जो कि काफी बड़ी दिक्कत हो सकती है कुछ लोगों के लिए। तो अपनी लिस्ट के सेकंड फोन पर चलते हैं ना। तो हमारी लिस्ट का सेकंड फोन आता है Realme C3 का जुड़वा भाई बोल सकते हैं, वहां पर कुछ इंप्रूवमेंट कर दी गई है, एंड ये वाला फोन बना दिया गया है। तो हमारी लिस्ट का थर्ड फोन आता है Realme Narzo 10A। तो शुरुआत करते हैं डिस्प्ले एंड डिजाइन से। तो यहाँ पर आपको 6.5 इंचेस की HD+ की डिस्प्ले मिल जाएगी, यहाँ पर आपको बैक साइड के अंदर 3 कैमरे मिल जाएंगे, वाटर ड्रॉप नॉच मिल जाएगी, बैक साइड के अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, एंड जो आपको बैक मिलेगी प्लास्टिक की बैक मिलेगी। तो चलते हैं कैमरा डिपार्टमेंट में। इधर आपको बैक साइड के अंदर 3 कैमरे मिल जाते हैं, 12+2 MP मैक्रो शॉट के लिए, +2 MP डेप्थ सेंसिंग के लिए। सेल्फी की बात करते हैं तो आपको 5 MP की मिल जाएगी, तो ऐसे कैमरा भी काफी अच्छा है, मैक्रो शॉट भी इधर आपको मिल जाता है। तो अब चलते हैं फोन के दिल पर, यानी कि प्रोसेसर पर। तो इधर आपको MediaTek Helio G70 का प्रोसेसर मिल जाएगा, 12 nm का प्रोसेसर है, मालिका G52 का आपको GPU मिल जाएगा, तो गेमिंग वगैरह इधर भी आपकी एवरेज से ऊपर ही चलने वाली है, काफी अच्छा आपको मतलब Realme UI भाई काफी ज्यादा मतलब ऑप्टिमाइज हो जाता है, वो भी गेमिंग के लिए, तो काफी बढ़िया। उधर भी आपको काफी सारे फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं गेमिंग वगैरह के लिए। तो चलते हैं बैटरी डिपार्टमेंट में। इधर आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, 10W की नॉर्मल चार्जिंग मिलेगी, एंड माइक्रो यूएसबी का पोर्ट मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया था Realme C3 का जुड़वा भाई है, तो कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं करी, बट एक यहाँ पर आपको कैमरे के अंदर इंप्रूवमेंट मिल जाती है, एंड फिंगरप्रिंट स्कैनर में मिल जाते हैं। तो अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन मिल जाता है, जो आपको Realme C3 के अंदर नहीं मिलता, तो ये काफी अच्छी बात है कि इस फोन के अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। फेस अनलॉक का भी यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, स्प्लैश रेजिस्टेंस मिल जाता है, गोरिल्ला ग्लास 3 की आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है, Realme UI मिल जाता है, Android 10 मिल जाता है। अब बात करते हैं वेरिएंट एंड प्राइस की। तो 3GB की रैम है, 32GB की रोम वाले का प्राइस आपको 8500 का पड़ता है। थोड़ा सा मेरे को प्राइस इसका ज्यादा लगता है, 500 रुपए अगर इस फोन का प्राइस होता 8000 का, तो वैसे तहलका सा मचा देता ये फोन, काफी बढ़िया हो जाता अपने प्राइस के हिसाब से। बट कोई बात नहीं, ऐसे GST वगैरह बढ़ गई है, तो चलता है भाई इतना। तो पूरी वीडियो ऐसे ही देखोगे क्या, सब्सक्राइब करो एंड मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने लिस्ट के राजा फोन पर, यानी कि नंबर 1 फोन पर।
तो हमारी लिस्ट का नंबर वन फोन आता है मोटरोला वन मैक्रो। जैसा आपको नाम से पता चलेगा कि इस फोन के अंदर आपको मैक्रो शॉट भी मिल जाता है। तो शुरुआत करते हैं डिस्प्ले एंड डिजाइन से। तो यहाँ पर आपको 6.2 इंचेस की HD प्लस की डिस्प्ले मिल जाएगी। यहाँ पर आपको वाटर ड्रॉप नोच मिल जाएगी एंड यहाँ पर आपको IPS LCD का पैनल मिल जाएगा। बैक जो आपको मिलेगी आपको प्लास्टिक की बैक मिलेगी। बैक साइड के अंदर आपको तीन तीन कैमरे मिल जाएंगे एंड बैक साइड के अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाएगा, जो काफी बढ़िया चीज है। एंड यहाँ पर आपको IR ब्लास्टर भी मिल जाता है। तो चलते हैं कैमरे डिपार्टमेंट में। बैक साइड के अंदर आपको तीन कैमरे मिलते हैं, जैसे बताया गया 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल मैक्रो शॉट के लिए प्लस 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए। सेल्फी की बात करते हैं तो आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है। तो कैमरे वगैरह भी इस फोन के काफी डिसेंट आपको मिल जाते हैं। बट अब चलते हैं फोन के प्रोसेसर पर। तो इधर आपको MediaTek Helio P70 का प्रोसेसर मिल जाता है। 12 NM का ये प्रोसेसर है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है। एंड स्कोर की बात करते हैं 160,000 के अराउंड इस फोन का स्कोर आता है। तो काफी बढ़िया आपको प्रोसेसर मिल जाता है। P70 गेमिंग वगैरह के लिए काफी ज्यादा सही प्रोसेसर है, तो आप गेमिंग वगैरह इसमें काफी बढ़िया कर सकते हो। तो अब चलते हैं बैटरी डिपार्टमेंट में। फोन के अंदर आपको 4000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, 10 वोल्ट की नॉर्मल चार्जिंग मिलती है। बट प्लस पॉइंट है कि इधर आपको टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है, जो काफी सही चीज है। हमने ऐसे फोन को थोड़ा नया सा दिखाती है, अच्छा सा लगता है, ऐसे कैसे भी लगा दो चार्जर, टाइप सी का आपको पोर्ट मिल जाता है, जो काफी बड़ी अच्छी है। तो अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो इधर आपको फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाते हैं, सारे सेंसर मिल जाते हैं, स्टॉक एंड्रॉइड मिल जाता है, जो कि मतलब इसकी परफॉर्मेंस पे चार चांद लगा देता है। क्योंकि स्टॉक एंड्रॉइड पे आपका फोन ना काफी ज्यादा मतलब ऑप्टिमाइज ही कह सकते हैं, या फिर मतलब जो आपको परफॉर्मेंस मिलती है काफी ज्यादा अच्छी मिलती है, बूस्ट सा लग जाता है आपके फोन पे। तो ये बात है क्योंकि कोई भी आपको ब्लॉटवेयर वगैरह नहीं मिलते, जो आपका मतलब बैकग्राउंड के अंदर कुछ आपकी रैम कंज्यूम करेंगे ऐसा कुछ सीन नहीं रहता। तो परफॉर्मेंस आपको काफी ज्यादा अच्छी मिलती है स्टॉक एंड्रॉइड में। यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 9 मिल जाता है, स्प्लैश रेजिस्टेंस मिल जाता है, थोड़ा बहुत पानी वानी गिरता है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि काफी ही ज्यादा सही चीज है, मतलब एक पैकेज फोन बना देती है इस फोन को। एंड यहाँ पर आपकी गेमिंग वगैरह भी काफी बढ़िया चलने वाली है, क्योंकि भाई P70 प्रोसेसर ऊपर से यहाँ पर आपको स्टॉक एंड्रॉइड मिल जाते हैं, तो ऐसी गेमिंग वगैरह काफी ज्यादा बढ़िया चलने वाली है। तो अब बात करते हैं प्राइस एंड वेरिएंट की। तो 4GB की रैम एंड 64GB की रोम वाले का प्राइस आपको 10,000 का मिलेगा। बट यहाँ पर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है, जिससे आपको थोड़ा सा मतलब ऐसी दिक्कत सी हो सकती है। बट भाई आजकल तो मतलब हाइब्रिड सिम स्लॉट ही देते हैं काफी सारे फोन, मतलब काफी कम फोन होते हैं जो आपको डेडिकेटेड स्लॉट देते हैं। बाकी 64GB भी काफी सही स्टोरेज होता है, इतनी कोई दिक्कत नहीं होती, तो आप लोग आराम से इस फोन को ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4GB रैम 64GB की रोम आपके बजट में भी आ जाता है 10,000 के प्राइस पर। एक काफी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताना भूल गया था कि अगर आप लोगों को बिल्कुल अभी जरूरत नहीं है फोन लेने की, जैसे आपका बजट 10,000 है और आपको बिल्कुल अभी जरूरत नहीं है कि मतलब आपका काम चल सकता है कुछ टाइम के लिए, तो भाई मैं ये बोलूंगा आप लोग वेट कर लेना, क्योंकि कुछ टाइम के अंदर काफी बढ़िया फोन आने वाले हैं, जिनके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं कौन कौन से फोन क्या क्या मतलब स्पेसिफिकेशन आ रही है। क्योंकि इन्फिनिक्स नोट 7 भी आ रहा है, रेडमी 9 भी आ रहा है, और भी काफी सारे फोन आ रहे हैं जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वाली वीडियो जरूर देख लेना, काफी बढ़िया फोन आ रहे हैं, वैल्यू फॉर मनी फोन आ रहे हैं। बस तो दोस्तों अब बात करते हैं मेरे पिकअप की, कि मेरा बजट होता 10,000 का तो मैं इधर कौन सा फोन लेता। तो भाई मैं इधर मोटरोला वन मैक्रो को लेता, काफी बढ़िया फोन है। इधर आपको स्टॉक एंड्रॉइड मिल जाते हैं, जिससे कि आपकी मतलब परफॉर्मेंस काफी बढ़िया रहने वाली है। मोटरोला की ब्रांड वैल्यू भी काफी ज्यादा अच्छी, अगर आप देखते हो रियलमी वगैरह से, एसस वगैरह, मतलब किसी भी ब्रांड से आप देखते हो, और काफी बढ़िया फोन है, मतलब ऐसी कुछ मेरे को कमी लगी नहीं या कुछ दिक्कत मेरे को लगी नहीं। हाइब्रिड सिम स्लॉट की दिक्कत है, बट भाई वो 64GB है तो मैनेज हो जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती। सो गाइस आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर भी कर लो, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लो। मिलता कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।